हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर वोमिटिंग। वोमिटिंग के लिए जो नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ वोमिटिंग बाई नर्वस कंट्रोल, नर्वस सिस्टम। वोमिटिंग कैसे कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। ओके, तो इससे पहले क्या बताया था मैंने, वोमिटिंग के बारे में बताया था, उसका कॉजेज बताया था एंड सेंटर बताया था। वोमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा में। ओके, आज देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दी एफरेंट नर्व फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वोमिटिंग आर एफरेंट नर्व फाइबर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वोमिटिंग के लिए, वो कौन कौन से होते हैं। आर दी पार्ट ऑफ वेगस, वेगस यानी कि 10th क्रैनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल यानी कि 7th क्रैनियल नर्व, नाइन्थ क्रैनियल नर्व, हाँ नाइन्थ क्रैनियल नर्व एंड सर्टेन अदर नर्व, ये सब जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन सभी के नर्व जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा में तो उसका सेंटर होता है, ठीक है, लेकिन उस सेंटर से इम्पल्स जो है वो पास होता है इन सभी नर्व के थ्रू, ठीक है। दे कंडक्ट दी एक्साइटेशन टू अ वोमिटिंग सेंटर, वोमिटिंग नर्व सेंटर कौन सा है, मेडुला ऑब्लंगाटा। वोमिटिंग नर्व सेंटर लोकेटेड इन दी मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा में जो लोकेटेड होता है, ऑन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ब्रेन के फोर्थ वेंट्रिकल, ये मैंने नहीं लिखा है। तो ये जो है यानी कि वेगस नर्व एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है ये एक्साइटेशन को कंडक्ट करते हैं, जो भी नर्व इम्पल्सेज है उसको ट्रांसफ़र करते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा यानी कि वोमिटिंग सेंटर से लेकर उसके ब्रेन के फोर्थ वेंट्रिकल पर, ठीक है। नर्व्स को इम्पल्सेज को पासिस करते हैं यानी कि वोमिटिंग होने का रिस्पांस देते हैं। वोमिटिंग कैन नॉट अकर इफ़ दी वेगस एंड सिंपथेटिक नर्व्स आर कट, वोमिटिंग जो है वेगस एंड सिंपथेटिक नर्व्स कट हो जाए तो हो नहीं सकता है। लेकिन अब ऐसा भी तो नहीं है कि केवल वोमिटिंग को रोकने के लिए वेगस एंड सिंपथेटिक नर्व्स रोका जाए, क्योंकि और भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं इनके कट होने से, ठीक है। तो लेकिन अगर बाय चांस अगर ये दोनों ना हो, वेगस एंड सिंपथेटिक नर्व्स ना हो, तो वोमिटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो और सिंपथेटिक नर्व्स क्या है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम का थर्ड पार्ट जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसका दो पार्ट होता है सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक। तो वही सिंपथेटिक नर्व्स है, इसका नेचर क्या होता है, एक्सिलरेटरी, एक्सिलरेट करता है किसी भी फंक्शन को, ठीक है, जैसे हार्ट बीट हुआ। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होता है नॉन एज नाइन्थ क्रैनियल नर्व, नाइन्थ क्रैनियल नर्व कहा जाता है। और वेगस नर्व्स के भी बारे में मैंने एक बार बताया था कि वो तो 10th क्रैनियल नर्व कहा जाता है, ठीक है। तो वोमिटिंग का ये पूरा ख़त्म हो गया, वोमिटिंग क्या होता है, कॉजेज क्या है, नर्वस कंट्रोल क्या है वोमिटिंग के ऊपर, मतलब ये ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, अपना मिस्टेक, यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव डिवाइस वर्ड है, इस वर्ड से तो मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट मैंने भी एक बुक से ही लिखा था, ग्रेजुएशन लेवल के बुक से। ओके, मेडुला ऑब्लंगाटा, अब देखते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की बेस पर लोकेटेड होता है, वेयर द ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन पासिंग मैसेज, मैसेज को पास करने में एसेंशियल रोल प्ले करता है कौन, मेडुला ऑब्लंगाटा, बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के बीच में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन क्या है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा इज द थर्ड पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या है, तो पहले ब्रेन को डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में, कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन का भी तीन पार्ट्स होता है, जिसका तीसरा पार्ट जो है वो मेडुला ऑब्लंगाटा है। द मेडुला ऑब्लंगाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सेवरल बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सेवरल बेसिक फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन सा, रेस्पायरेशन में, जी हाँ रेस्पायरेशन में होते हैं, कार्डियक फंक्शन में होते हैं, वैसोडाइलेशन में होते हैं, रिफ्लेक्सेस
एंड रिफ्लेक्सेस लाइक वोमिटिंग, वोमिटिंग भी है मैंने बताया था, वो भी इनवॉलंट्री है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। कफिंग है, स्नीजिंग है, स्वालिंग है, ठीक है। तो ये सब मिडल हावलोंग डाटा के द्वारा कंट्रोल होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।